हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम इन आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मैं समता। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि संसार में जितने भी पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म क्लास के अंदर आते हैं। यानी कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वही सारे फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, संसार में जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं जिनमें उनकी जीवन अवधि में एक ना एक बार पुष्प बनता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो उसी में एंजियोस्पर्म्स में किस तरह से लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इन पुष्पीय पौधों में, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इस चैप्टर में पहले बता दिया, समझा दिया गया था कि बच्चों जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो तीन चरणों में बटी हुई होती है। पहला आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमिट्स का निर्माण होता है, जैसा कि आपका मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद तो इसमें मेल गैमिटोफाइट कौन सा, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ था, आपने एंथर की संरचना के बारे में जाना। उसके बाद मेल गैमिटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में जाना, उसके डेवलपमेंट के बारे में जाना, किस तरह से बनता है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना बच्चों। अब हम लोग फीमेल गैमिटोफाइट के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ओव्यूल की संरचना में बताया था मैंने। तो अब बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और ओव्यूल की संरचना जानते हुए आगे बढ़ेंगे और फीमेल गैमिटोफाइट के क्या स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आपने मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में जाना था, जब जिस प्रक्रिया में आपका क्या, मेल गैमिटोफाइट का निर्माण हो रहा था। उसके बाद बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्शन में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करनी है हमें, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ठीक, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अंडाशय, छोटा सा, जो किसे, अपरा से अटैच्ड होता है, यानी कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। उस ओव्यूल में कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं बच्चों, उसके बारे में आपको जानना है। नंबर वन पार्ट इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल यानी कि आपका बीजांड वृंत। फ्यूनिकल को आप क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, और ये एक ऐसा स्टॉक होता है जिससे आपका ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो उस वृंत कहते हैं। ठीक है, हाइलम, हाइलम किसे कहते हैं, हाइलम का मतलब होता है बच्चों नाभिका। एक ऐसा जंक्शन जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल ये दोनों जिस जगह पे अटैच हो रहे हैं, जिस जगह पे जुड़ रहे हैं, उस जगह को कहते हैं हाइलम यानी कि नाभिका। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, उस संधि को आप कहते हैं नाभिका संधि। उसके बाद बच्चों, आपका ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, कुछ इस तरीके का। तो जो मैं ये मोटी वाली ये दोनों परतें बना रही हूं, ये दो परतें, आप सबको पता है कि अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये मोटे मोटे दो आवरण उसके ऊपर चढ़े होते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अब ये इंटेग्यूमेंट्स दो लेयर्स में होते हैं, तो जो बाहर वाली लेयर होती है बच्चों वो आपकी बाह्य अध्यावरण कहलाती है, जो अंदर वाली प्रोटेक्शन लेयर होती है वो क्या कहलाती है, अंतः अध्यावरण कहलाती है। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, आपके प्रोटेक्टिव लेयर्स का काम करते हैं। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर्स का काम करते हैं। उसके बाद आप सबको पता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड कौन सा है, बीजांड जिसके अंदर बीज का निर्माण हो रहा हो वो क्या कहलाएगा, बीजांड कहलाएगा। तो बीजांड के अंदर जब स्टिग्मा पे
पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं तो पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू आपकी ओवरी के अंदर एंटर करती है। तो माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इन टू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स, ठीक, जहां से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, यानी पॉलन ट्यूब के जाने का जो रास्ता है उस द्वार को, उस दरवाजे को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये जस्ट उसके माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में जो जगह होती है उसे आप क्या कहते हैं, निभाग या कैलेजा कहा जाता है। ये क्या होता है आपका, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहलाता है। और इसके बीच में बिल्कुल अंदर की साइड में जो प्रोटेक्शन के अंदर होती है वो आपकी कहलाती है बच्चों न्यूसिलस। न्यूसिलस कैसे होते हैं, 2N यानी कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, मास ऑफ सेल्स यानी सेल्स का मास, ठीक, स्पोरोजिनस सेल्स जिसके अंदर भरे हुए होते हैं, इनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर बंद होते हैं, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें क्या होता है बहुत सारे पोषक तत्वों से भरी हुई भोजन का इनके पास क्या होता है, बहुत सारा स्टोरेज होता है, ठीक। जैसे कि आपने ये वाले डायग्राम के बारे में देखा था, इस डायग्राम को आपको बार बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है और इस डायग्राम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायग्राम आपको एकदम लर्न होना चाहिए, वन शॉट डायग्राम आप बना सके एग्जाम में इस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि केवल बीजांड की संरचना चित्र सहित बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, नेमिंग आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, लर्न हो जानी चाहिए आपको नेमिंग। हाइलम, हाइलम क्या कहलाता है बच्चों, हाइलम आपका कहलाता है नाभिका, हाइलम क्या कहलाता है नाभिका। फ्यूनिकल आपका क्या कहलाता है, बीजांड वृंथ, फ्यूनिकल आपका क्या कहलाता है, बीजांड वृंथ। इसके बाद माइक्रोपाइल आपका क्या कहलाता है बच्चों, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। माइक्रोपाइलर पोल आपका कहलाता है बीजांड ध्रुव। बीजांड द्वारी सिरा, ठीक, और आउटर इंटेग्यूमेंट आपका क्या कहलाता है, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। इनर इंटेग्यूमेंट आपका क्या कहलाता है, अंतः आवरण, अंतः आवरण। निसिलस आपका क्या कहलाता है बच्चों, निसिलस आपका कहलाता है बीजांड काय, बीजांड काय। और एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश, ठीक है। उसके बाद कैलेजल पोल, इसको क्या कहते हैं, कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, निभागीय सिरा, यानी कि कैलेजा का जो सिरा है वो कहलाएगा आपका कैलेजल पोल या निभागीय सिरा कहलाएगा। तो ये आपका पूरा बीजांड का स्ट्रक्चर है, एक प्ररूपी प्रतीय बीजांड का ये आपका डायग्राम है। इसको अच्छी तरह से आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद आपको अब आगे इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में समझना है। ये आपका क्या है, एक प्ररूपी प्रतीय बीजांड का चित्र है, ठीक, जो माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके देखा गया है। उसका डिसेक्शन करने के बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस, इस प्रक्रिया के बारे में आपको समझना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आपने जब मेल गैमेटोफाइट के निर्माण के बारे में पढ़ा था तो उस प्रक्रिया का क्या नाम था बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था। इस प्रक्रिया का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो रहा था और इसमें मेगा स्पोर्स से आपका निर्माण होगा, ठीक है।
इसमें मेगास्पोर का निर्माण होगा और उसमें क्या होता था, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक, इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल, यानी कि आपका इसको कैसे लिखेंगे आप, गुरु, गुरु बीजाणु का मतलब आपका मेगास्पोर, ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं बहुत सिंपल है, अगर आप इजीली इसको, मैं एक बार अभी समझा देती हूं आपको, गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को या बनने की प्रक्रिया को, रचना के प्रक्रम को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। अब इसमें मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु, ये क्या बन रहा है, मेगास्पोर, मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु किससे बन रहा है बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल आपकी कहलाएगी MMC, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसको हमने PMC पॉलन मदर सेल भी कहा था, वो हो रही थी। तो उसमें क्या होता है बच्चों, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं, वो टिश्यूज डिप्लॉयड होती हैं, 2N होती हैं, तो उन डिप्लॉयड से जब हैप्लॉयड मेगास्पोर्स का निर्माण करना होता है तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है बच्चों, मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपका 2N डिप्लॉयड जो सेल्स होती हैं उससे क्या होता है, हैप्लॉयड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल, ओव्यूल डिफरेंशिएट्स अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस। ओव्यूल जो होता है वो आपका मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर न्यूसिलस यानी बीजांड काय होता है, उसमें MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, यानी मेगास्पोर मदर सेल MMC में मियोटिक डिवीजन होता है और उससे क्या बनते हैं बच्चों, दैट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, और इस मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप आपके 4 मेगास्पोर्स यानी कि 4 गुरु बीजाणुओं का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट, यानी कि ज्यादातर पुष्पीय पौधों में 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय होते हैं और खत्म हो जाते हैं, और उसमें से एक मेगास्पोर डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में, और उसी फीमेल गैमेटोफाइट को आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, ठीक है। बीजांड क्या करता है बच्चों, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। बीजांड यानी कि आपका ओव्यूल
प्रायः क्या होता है बच्चों, एक अकेले मेगास्पोर मदर सेल से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्रों में विलग होते हैं, अलग होते हैं। ये एक बहुत बड़ी कोशिका है, ठीक, ये एक बहुत बड़ी कोशिका है और उसमें क्या होता है, बहुत सारा आपका मतलब डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है सघन जीव द्रव्य होता है और एक एकदम क्लियर सुस्पष्ट और फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक, वो कोशिका कैसी होती है, न्यूक्लियस से युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किससे गुजरती है, आपकी अर्धसूत्री विभाजन से यानी कि मियोटिक डिवीजन से गुजरती है। और इसका क्या महत्व है, आपका जो एमएमसी है इसमें मियोटिक डिवीजन होता है तो ये किस कारण से होता है, क्यों, उससे क्या होना है, आपका चार मेगास्पोर्स का निर्माण होना है। क्या होना है, चार मेगास्पोर्स का निर्माण होना है। ठीक, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, ज्यादातर पुष्पीय पौधों में जो मेगास्पोर्स होते हैं बच्चों, वो चार बनते हैं जिसमें में से तीन डिजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो है वो आपका क्रियाशील होता है यानी कि एक्टिव होता है। ठीक है, तीन कैसे होते हैं, अपविकसित हो जाते हैं यानी कि ठीक से विकसित नहीं होते और वो अपभ्रष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। और एक कार्यशील गुरु बीजाणु जो है वो भ्रूण कोष के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के बनने की विधि को क्या कहते हैं, एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ठीक, इसको एक बार ध्यान से आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नोट करेंगे कि बीजाणु तथा भ्रूण कोष के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस के समय जो न्यूसिलस होती है उसमें हाइपोडर्मल आकार में बड़ी होकर के अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, विभिन्न हो जाती है। इसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका यानी कि प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ये कोशिका आपकी एक प्रति विभाजन यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के एक बाहरी भित्तीय कोशिका और भीतरी बीजाणु जनन कोशिका यानी कि एक पेराइटल सेल और दूसरी स्पोरोजेनस सेल बनाती है। ठीक, भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या फिर कभी कभी बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशिका यानी कि स्पोरोजेनस मदर सेल, स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह यानी कि मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी की तरह कार्य करने लगती हैं और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के चार अगुणित यानी कि चार हैप्लॉयड मेगास्पोर्स का निर्माण करती हैं, चार हैप्लॉयड गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और इन चार गुरु बीजाणुओं में यानी कि मेगास्पोर्स में प्रायः सबसे नीचे चैलेजल एंड की ओर यानी निभाग की साइड में जो निभाग की तरफ आपका मेगास्पोर होता है ये हमेशा एक्टिव फेज में होता है और उसके ऊपर शेष तीन जो होते हैं वो इनएक्टिव मेगास्पोर्स क्या होते हैं, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चीज का यूज नहीं है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, डीजेनरेट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के या भ्रूण कोष के विकास के बारे में पढ़ना है। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू अपोजिट पोल्स टू फॉर्म टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। यानी जो एम्ब्रियो सैक होता है कैसा होता है बच्चों, टू न्यूक्लियड यानी कि द्वि केंद्र की होता है। टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इनटू एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक। और उसके बाद
फिर दो और उसी सीक्वेंस में दो और सूत्र विभाजन होते हैं, जिससे क्या होता है आपका एक न्यूक्लियेट भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है। ठीक, और उसको अभी हम अभी बिल्कुल काउंट करके मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये किस तरह से एट न्यूक्लियेट और सेवन सेल्ड कहलाता है। सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल, आठ में से छह न्यूक्लियाई क्या होते हैं सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं, एंड रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई वो आपके ध्रुवीय केंद्रक जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं आर सिचुएटेड बिलो द एग ऑपरेटस। ठीक, थ्री सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, तीन सेल्स क्या होती हैं बच्चों माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वार की साइड में होती हैं टू कंस्टिट्यूट एग ऑपरेटस। ठीक है, जो अंड बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, एंड थ्री सेल्स एट चेलेजल एंड, और तीन सेल्स जो तीन कोशिकाएं होती हैं वो निभाग के सिरे की तरफ होती हैं, वो क्या बनाती हैं आपके एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करती हैं। ठीक, एट मैच्योरिटी यानी परिपक्व होने की अवस्था में एम्ब्रियो सैक इज एट न्यूक्लिएट एंड सेवन सेल्ड, कैसी होती हैं एट न्यूक्लिएट होती हैं और सेवन सेल्ड होती हैं, यानी कि आठ केंद्रकीय होती हैं और सात कोशिकीय होती हैं। ठीक, इसको एक बार से ऐसे समझेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसी होती है बच्चों, क्रियाशील गुरु बीजाणु एक हैप्लॉयड रचना है, हैप्लॉयड संरचना है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट की क्या है प्रथम कोशिका है। क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी कि जो आपका एक्टिव मेगास्पोर है वो अपने आकार में वृद्धि करके क्या करता है न्यूसिलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। मेगास्पोर जो एक्टिव होता है वो क्या करता है न्यूसिलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब जो एक्टिव मेगास्पोर है उसका केंद्रक क्या करता है माइटोटिक डिविजन करता है, सूत्री विभाजन करता है, क्योंकि एमएमसी में मियोटिक डिवीजन ऑलरेडी हो चुका था। ठीक, उसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गए थे, तो अहबाब हैप्लॉयड से हैप्लॉयड ही बनना है, तो क्या होगा यहाँ पर सूत्री विभाजन होगा, और सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के क्या करता है दो डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। दोनों केंद्रक दोनों पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, एक आपका कैलेजल पोल है और दूसरा माइक्रोपाइलर पोल है। ठीक है, एक बीजांड द्वार वाला सिरा है, बीजांड द्वारी सिरा है, और दूसरा आपका निभागीय सिरा है, तो दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, और ये दोनों जो संतति केंद्रक होते हैं ये फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और उसके बाद चार डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं, चार संतति केंद्रक बना लेते हैं। इस तरह से हर एक ध्रुव पे एक कैलेजल सिरा जो है आपका निभागीय सिरा है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड है, उन दोनों ध्रुवों पे दो दो केंद्रक हो जाते हैं, टोटल चार और दोनों ध्रुवों पे दो दो केंद्रक। ठीक, उसके बाद ये फिर उस केंद्रक में फिर तीसरा विभाजन जब होता है तब ये आठ केंद्रक बन जाते हैं, इसमें से चार केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर और चार केंद्रक इसके निभाग की ओर होते हैं। ठीक, अब इसमें से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से, एक चैलेंजल सिरे से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से और एक केंद्रक निभाग की ओर से क्या करते हैं सेंटर की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, और यही दोनों केंद्रक जो एक निभाग से और एक माइक्रोपाइलर एंड से चलता है सेंटर में जाने के लिए, यही केंद्रक आपका ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। ठीक, दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर के एक दूसरे से मिलकर के एक सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक, जब वो दोनों केंद्रक इकट्ठा हो जाते हैं तब वो एन से टू एन यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब शुरू में भ्रूण कोश कैसा होता है बच्चों आठ केंद्रक युक्त हो जाता है। ठीक, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर तीन केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण हो जाने से क्या होता है एग ऑपरेटस यानी कि अंड उपकरण बन जाता है, और इस अंड उपकरण में मध्य में एक बड़ी एग सेल यानी कि अंड कोशिका, और उसी अंड कोशिका को आप क्या कह सकते हैं उसी को आप मादा युग्मक में या फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, और दोनों ओर एक एक सिनर्जिड्स या हेल्पिंग सेल्स होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अब ये सहायक कोशिकाओं का क्या काम है, ये सहायक कोशिकाएं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पराग नली यानी पॉलन ट्यूब का क्या करती है पथ प्रदर्शन करती है, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाती है ओवरी तक पहुंचने के लिए। ठीक, इस प्रकार से
जो आपका कैलेजल सिरा होता है यानी निभाग होता है, उसकी तरफ तीन केंद्रक तीन प्रतिमुख कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से परिपक्वता पे भ्रूण कोष 7 celled और 1 nucleate होता है। आपको समझ में आ गया कि भ्रूण कोष 7 celled और 8 nucleate कैसे होता है? ठीक, समझ में आया? तो इसको आप इस तरह से, जो आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, उससे भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो आपका डायग्राम है, इसमें आप देखिए, ये आपकी न्यूसिलस है, ठीक, ये आपका क्या है, बीजांडकाय है, ये है आपका बीजांडकाय, ये आपका क्या है बच्चों, बीजांड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि आपका क्या है, वो माइक्रोपाइलर एंड जो है आपका, वो कहलाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, आपकी मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। ठीक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपकी क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल, इसी को आप कह रहे थे MMC, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, पहले ये डायग्राम समझ लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद बच्चों फिर इसमें किस किस तरह से माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप ये भ्रूण कोष का निर्माण कैसे होता है, कौन ये 7 celled और 8 nucleate कैसे कहलाता है, उसके बारे में आपको जानना है। न्यूसिलस क्या होता है? न्यूसिलस आपका होता है बीजांड काय। ठीक, मेगास्पोर, ये बीच में आपका मेगास्पोर डायड बनता है, यानी कि जो दो न्यूक्लियस इधर एंड से और उधर एंड से बढ़ते हैं वो मेगास्पोर डायड कहलाता है। फिर क्या बना देखिए आपका, ये एक मेगास्पोर मदर सेल में एक सूत्री विभाजन हुआ, उससे क्या, दो सेल्स बनी। ठीक, अब इन दो सेल्स में फिर से सूत्री विभाजन हुआ, तब मेगास्पोर चतुष्टक बन जाते हैं, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, कि ये कैसे होते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्टक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको अब हम बच्चों ये डायग्राम नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरह से समझ लेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हुए। आज की क्लास का सेशन का टाइम थोड़ा सा कम है, टाइम खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा घर से भी पढ़ के आएंगे और उसके बाद इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा जाना। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अब मन लगा के पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई से ही आप लोगों का क्या होना है, जीवन संवरना है। ठीक है, तो आप हमारे भारत देश के एनर्जेटिक युवा हैं बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए और नीट एग्जाम को क्रैक करिए, यही मेरी शुभकामना है। बोर्ड एग्जाम में आप सभी बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।